यदि आप एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब भी हम कोई व्हीकल परचेज करने का प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले आता है कि ये माइलेज कितना देगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 माइलेज स्कूटर्स के बारे में जिनके साथ में सबसे ज्यादा माइलेज जो है वो क्लेम किया जाता है। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं NBT ऑटो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं पांचों स्कूटर के साथ में, जो कि है होंडा डियो। होंडा डियो के अंदर आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल इंजन देखने को मिलता है। 7.6 BHP की पावर के साथ में आपको स्कूटर देखने को मिलेगा। 48 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस स्कूटर के साथ में क्लेम की जाती है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 रुपीज एक्स शोरूम शुरुआती कीमत के साथ में आपको स्कूटर देखने को मिल जाता है। कलर वेरियंट के अकॉर्डिंग आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चौथे स्कूटर की, जो कि हमें देखने को मिलता है सुजुकी की तरफ से, और इस स्कूटर का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि कम पीता है के नाम से इसका एड भी आता है। मैं बात कर रहा हूं सुजुकी एक्सेस 125 की। इस स्कूटर के अंदर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 8.6 BHP की पावर जनरेट करता है। और माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 48 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस स्कूटर के साथ में क्लेम की जाती है। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 77,000 रुपीज की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ में आपको यह स्कूटर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं तीसरे स्कूटर की, जो कि है TVS जुपिटर 110। जुपिटर का आपको 125 सीसी वेरिएंट भी देखने को मिलता है, हालांकि उसकी माइलेज थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। 110 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 7.7 BHP की पावर जनरेट करके देता है। माइलेज की अगर बात की जाए तो 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस स्कूटर के साथ में क्लेम की जाती है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 71,000 रुपीज डेली शोरूम प्राइस के साथ में आपको स्कूटर देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, तो प्राइस जो है हर एक वेरिएंट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लिस्ट के दूसरे स्कूटर की, जो कि है यामाहा की तरफ से यामाहा रेजेड आर। इस स्कूटर के अंदर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल इंजन देखने को मिलता है। डिजाइन और लुक्स के मामले में स्कूटर जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगा। और इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 8.04 BHP की पावर जनरेट करके देगा। माइलेज की अगर बात की जाए तो 52 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो इस स्कूटर के साथ में क्लेम की जाती है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 82,000 रुपीज की डेली शोरूम प्राइस के साथ में आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाता है। अब बात कर इस लिस्ट के पहले स्कूटर की, जिसके साथ में सबसे ज्यादा माइलेज जो है वो क्लेम किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं सुजुकी एवेनेस 125 की। इस स्कूटर के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 8.4 BHP की पावर जनरेट करके देगा आपको। और इस स्कूटर के साथ में 54 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो क्लेम की जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 89,000 रुपीज की डेली शोरूम प्राइस के साथ में आपको स्कूटर देखने को मिलता है। तो ये पांच ऐसे स्कूटर हैं जिनके साथ में सबसे ज्यादा माइलेज जो है वो क्लेम किया जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं नंबर 1 सेलिंग स्कूटर की, तो वो आपको होंडा की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि है होंडा एक्टिवा 6G। उसके अंदर माइलेज थोड़ी सी कम क्लेम की जाती है, लेकिन स्कूटर वो भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। बाकी इन पांच स्कूटर्स में से आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।